नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। इंसान घर में सुख शांति की चाहत के लिए रोजाना पूजा पाठ करता है, ज्योतिष और वास्तु के नियमों का भी ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से फिर उसे पछताना पड़ता है। महिलाओं की बात करें तो उन्हें सुबह कुछ काम नहाने के बाद ही करने चाहिए, इससे घर में खुशहाली बरकरार रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। घर में तुलसी लगाना और उसकी पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। महिलाएं रोजाना पूजा के बाद तुलसी को जल चढ़ाती हैं। हालांकि कभी भी बिना नहाए तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है। किसको अच्छे नहीं लगते, इससे माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में कभी भी बिना नहाए पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। बालों में कंघी करने से पहले ज़रूर नहा लेना चाहिए। सुबह उठकर नहाने के बाद ही अपने बालों को खोलें और उसके बाद कंघी करें। ऐसा ना करने से घर में दरिद्रता आने लगती है और नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। वैसे तो बिना नहाए रसोई में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ में बहुत सी महिलाएं बिना नहाए भोजन या ब्रेकफास्ट कर लेती हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। बिना नहाए भोजन करने से एक तो बीमार होने का खतरा बना रहता है, वहीं नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। वहीं जिन महिलाओं को हमेशा नहाने के बाद ही किचन या रसोई घर में जाकर भोजन बनाना चाहिए। रसोई और भोजन माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक होते हैं। जब कोई महिला बिना स्नान किए भोजन बनाती है तो इसे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।